गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, जैसा कि आज का हमारा जो टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग एंड स्ट्रेटजीज, हम लोग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से जुड़े हुए हैं तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। और आप सभी अब जैसा कि अपने इंटर्नशिप के लिए जाएंगे तो उससे पहले आपको इन सब बिंदुओं को जान लेना बहुत ही बेहतर होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग, क्योंकि अब आप टीचिंग के लिए तैयार हो रहे हैं, आपका माइक्रो टीचिंग का आज थर्ड फेज स्टार्ट हो रहा है। इससे पहले आपने माइक्रो टीचिंग स्किल्स का अच्छी तरह से जान लिया है और आपने प्रैक्टिस भी कर लिया है, तो आज हम लोग विस्तृत रूप में जानेंगे कि टीचिंग क्या है, शिक्षण क्या है। अगर हम सबसे पहले बात करें कि व्हाट इज टीचिंग, टीचिंग क्या है, तो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा टीचिंग इज अ सोशल प्रोसेस, यह एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षण जो है वह सामाजिक प्रक्रिया है। आगे लिखा है कि इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द कंट्री, सोशल सर्कमस्टेंसेस एंड वैल्यूज एक्सेट्रा। शिक्षण जो है वह सामाजिक प्रक्रिया है और प्रत्येक देश की शासन प्रणाली, सामाजिक दर्शन, सामाजिक परिस्थितियों तथा मूल्यों आदि का प्रभाव उसके शिक्षण पर दिखता है। द टाइप ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम और सोशल एंड फिलोसफिकल सर्कमस्टेंसेस डिटरमाइन द टाइप ऑफ टीचिंग, किस प्रकार की टीचिंग है वह कैसे निर्धारित होती है पॉलिटिकल सिस्टम से, वहां का जो राजनीतिक व्यवस्था होती है। कहीं ना कहीं कहने का तात्पर्य है कि जिस देश में जैसी शासन प्रणाली या सामाजिक तथा दार्शनिक परिस्थितियां होंगी वहां उसी प्रकार की शिक्षण प्रक्रिया होगी। विभिन्न दर्शनों, संस्कृतियों तथा देश के सामाजिक स्वरूप के आधार पर शिक्षण के अर्थ को समझा जा सकता है। तो शिक्षण क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया है और यह प्रत्येक देश की शासन प्रणाली, सामाजिक दर्शन, सामाजिक परिस्थितियों तथा मूल्यवाद का शिक्षण पर प्रभाव होता है। आगे हम देखते हैं कि डिफिनेशन ऑफ टीचिंग दिया हुआ है। अगर हम शिक्षण के बारे में और अधिक चर्चा करें तो हम ये देखते हैं कि अगर जहां पहले ऑटोक्रेटिक व्यवस्था थी, जहां एक तंत्रीय व्यवस्था थी, वहां शिक्षक सक्रिय रहते थे, छात्र भयभीत श्रोता के रूप में बिना तर्क के उनकी बात को स्वीकार करते थे। शिक्षक अपने विचारों को, अपने आदेशों को बलपूर्वक अपने छात्रों पर लागू करते थे। यह जो व्यवस्था होती थी ये तानाशाही व्यवस्था एक प्रकार की रहती थी, जिसमें शिक्षक सक्रिय रहता था लेकिन छात्र जो है वह निष्क्रिय रहता था और उसे किसी प्रकार के वार्तालाप, तर्क या शिक्षक की आलोचना करने का कोई अधिकार नहीं होता था। शिक्षक अपने आदेशों को, अपने विचारों को बलपूर्वक छात्रों के ऊपर लागू करता था। अगर हम एक दूसरी व्यवस्था में देखें, लोकतंत्रीय व्यवस्था में, डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेसी जैसा कि आप जानते हैं भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इसके बारे में बताते समय आप देख सकते हैं कि शिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय रहते हैं। लोकतंत्रीय व्यवस्था में शिक्षक और छात्र दोनों मिलकर के तर्क करते हैं, प्रश्न उत्तर करते हैं, एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं और उत्तर पाते हैं, इस तरीके का अवसर मिलता है। इसमें शिक्षक जो है एक पथ प्रदर्शक के रूप में होता है, निर्देशक के रूप में होता है और स्व अनुशासन पर बल दिया जाता है। एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें हस्तक्षेप रहित शासन में शिक्षण का अगर हम अर्थ देखें
तो छात्र अधिक सक्रिय तथा क्रियाशील रहते हैं। जैसे कि वर्तमान में अगर देखा जाए तो जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, यह एक तरह का हस्तक्षेप रहित है शासन, और इसमें जो शिक्षक का रोल होता है वह फैसिलिटेटर का होता है, सुविधादाता का होता है। छात्र अपनी जिज्ञासा की शांति हेतु समाधान तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। इस विधि में छात्र अधिक सक्रिय तथा क्रियाशील रहते हैं। शिक्षक का कार्य होता है कि वह छात्र को निश्चित उद्देश्य तक पहुंचने में उनकी मदद करता है, उन्हें सुविधा देता है। अगर हम और स्पेसिफिक हो जाएं तो हम देखते हैं कि टीचिंग की कुछ डिफिनेशंस हैं जो आपके स्क्रीन पर आ रही होंगी, दिख रही होंगी। पहली परिभाषा जो वर्ल्ड बुक एनसाइक्लोपीडिया के अनुसार है कि द प्रोसेस बाय विच वन पर्सन हेल्प्स अदर्स अचीव नॉलेज स्किल्स एंड एप्टीट्यूड्स। इसमें है कि शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे को ज्ञान कौशल तथा अभिरुचियों को सीखने या प्राप्त करने में सहायता करता है। अगर हम दूसरी परिभाषा देखें तो स्मिथ के अनुसार है टीचिंग इज अ गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी। स्मिथ ने कहा कि शिक्षण का उद्देश्य निर्देशित क्रिया है। शिक्षण जो है वह उद्देश्य निर्देशित क्रिया है। एक और परिभाषा है जेम्स एम थाइन के अनुसार, ऑल टीचिंग इज द प्रमोशन ऑफ लर्निंग। ऑल टीचिंग द प्रमोशन ऑफ लर्निंग। उन्होंने अपने परिभाषा में यह बताने का प्रयास किया कि समस्त शिक्षण का अर्थ है सीखने में वृद्धि करना। यहाँ एक नया शब्द आ रहा है लर्निंग। आपको ये ध्यान देना है कि टीचिंग और लर्निंग ये ज्यादातर आपको एक साथ सुनाई देंगे। टीचिंग और लर्निंग जो भी टीचिंग है आपको बताते चलें कि जो लर्निंग है, लर्निंग का एक पार्ट होता है टीचिंग। जो कुछ भी आपको सिखाया जा रहा है, जो भी प्रक्रिया अपनाई जा रही है, वह अगर आप सीख लेते हैं वही आपके अधिगम में, आपकी आदत में, आपके ज्ञान में, आपके अभिवृत्ति में जो वृद्धि हो जाती है उसे ही हम अधिगम कहते हैं। तो ये यहाँ पर दो तीन परिभाषाएं थी जो आपको शिक्षा को समझने में काफी मददगार हुई होंगी कि वास्तव में शिक्षण क्या है। अगर हम उसे एक नैरो पॉइंट में देखते हैं, एक लाइन में डिफाइन करते हैं, तो प्रोसेस बाय विच वन पर्सन हेल्प्स अदर्स अचीव नॉलेज स्किल एंड एप्टीट्यूड। तो वह प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे को ज्ञान कौशल तथा अभिरुचियों को सीखने या प्राप्त करने में सहायता करता है। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। नेक्स्ट स्लाइड है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण की विशेषताएं। शिक्षण की विशेषताएं यहाँ पर बिंदुवार दी गई हैं। पहली विशेषता है टीचिंग मेक्स द एक्ट ऑफ लर्निंग इफेक्टिव एंड सिस्टमैटिक। शिक्षण जो है वो क्या करता है, जो अधिगम की प्रक्रिया है उसे प्रभावशाली बनाता है और व्यवस्थित बनाता है। शिक्षण जो है अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावशाली और व्यवस्थित करता है। दूसरी विशेषता है साइकोलॉजी इज द बेसिस ऑफ ऑल टीचिंग प्रोसेस। शिक्षण की समस्त प्रक्रियाओं का जो आधार है वह मनोविज्ञान है। शिक्षण का जो आधार है वह मनोविज्ञान है। इसकी अगली विशेषता है देयर आर टू चीफ कंपोनेंट लर्नर एंड टीचर। शिक्षण के दो प्रमुख अंग हैं, कौन कौन, एक सीखने वाला, एक सिखाने वाला, एक लर्नर है, एक टीचर है। ये शिक्षण में दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, एक सीखने वाला और एक सिखाने वाला। इन दोनों की अनुपस्थिति में यह प्रक्रिया पूर्ण नहीं होगी। यहाँ पर हम जैसे टीचर हो गए, आप लर्नर हैं, तो यह जो शिक्षण का कार्य चल रहा है इसमें दो कंपोनेंट हैं, लर्नर एंड टीचर, सीखने वाला सिखाने वाला। अगली विशेषता है टीचिंग कोरिलेट्स लर्निंग सिचुएशंस।
यहाँ ये कह रहा है कि लर्निंग सिचुएशन शिक्षण और अधिगम की परिस्थितियों में संबंध स्थापित करता है, जो सीखने और सिखाने की जो परिस्थितियां हैं, सिचुएशन है, उनको उनमें संबंध है, टीचिंग और लर्निंग में संबंध है। अगला विशेषता है टीचिंग प्रोवाइड नॉलेज, शिक्षण जो है वो हमें ज्ञान प्रदान करता है, टीचिंग गाइड्स हमारा मार्गदर्शन भी करता है, टीचिंग कीप्स एक्टिव, शिक्षण जो है हमें सक्रिय बनाए रखता है, क्रियाशील बनाए रखता है। अगली विशेषता है कि द मीनिंग ऑफ टीचिंग इज रिलेटेड विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल प्रोसेसेस ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग, शिक्षण का अर्थ अधिगम तथा शिक्षण की समस्त प्रक्रियाओं को संगठित करने से है। अगला विशेषता जो है इसकी कि टीचिंग अराउजेस क्यूरियोसिटी अमंग स्टूडेंट्स, यह अपने छात्रों में जिज्ञासा भी उत्पन्न करता है। टीचिंग इज अ स्किलफुल एक्टिविटी, शिक्षण जो है वह कौशल युक्त प्रक्रिया है या क्रिया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि शिक्षण की जो विशेषताएं हैं वह सीखने सिखाने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने में और उद्देश्य पूर्ति के लिए पर्याप्त हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे नेचर एंड कंपोनेंट्स ऑफ टीचिंग। आप देखिए कि आपके सामने सर्कल बने हुए हैं, सबसे अंदर वाले सर्कल में आपको टीचिंग लर्निंग दिख रहा है, क्लासरूम दिख रहा है। क्लासरूम होता कहाँ है? स्कूल में है। स्कूल कहाँ होता है? सोसाइटी में है। तो सोसाइटी, स्कूल और क्लासरूम में जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो रहा है, जो टीचिंग का कार्य है, वह टीचर के द्वारा जो लर्निंग है, वो लर्नर के द्वारा वहां पे प्रक्रिया चल रही है, या इसे एक तरह से कंपोनेंट्स हैं और ये इसकी प्रकृति है। ये समाज में विद्यालय है और विद्यालय के अंदर जो है क्लासरूम में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चलता रहता है। अब हम आगे बात करेंगे टाइप्स ऑफ टीचिंग की। टाइप्स ऑफ टीचिंग में यहाँ दो प्रकार का कैटेगराइजेशन देखने को मिल रहा है, क्लासिफिकेशन आपको दिख रहा होगा। ऑन द बेसिस ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव, आप इसे उद्देश्य के, जब आपने माइक्रो टीचिंग का उद्देश्य पढ़ा होगा तो उस समय भी आपने पढ़ा होगा कि किस प्रकार हम उद्देश्यों को निर्धारित करते हैं। एक है हमारा कॉग्निटिव टीचिंग, एक है अफेक्टिव टीचिंग, एक है साइकोमोटर टीचिंग। तो ये ऑब्जेक्टिव के ही आधार पर है। कॉग्निटिव जो हमारा संज्ञानात्मक है, आपको यहाँ हम बताते चलेंगे कि ऐसी गतिविधियां जो हमारे पैरेलली में तीन शब्द और लेके चलूंगा आपके सामने। कॉग्निटिव का तात्पर्य यहाँ हेड से है, आपके हेड से है। कॉग्निटिव का तात्पर्य जो है वो हेड से है, जो भी आपकी प्रक्रियाएं हेड से संचालित की जाती हैं वो कहीं ना कहीं कॉग्निटिव होती हैं। दूसरी है अफेक्टिव, हार्ट। कॉग्निटिव जो है हेड से संबंधित है, अफेक्टिव जो है आपके हार्ट से संबंधित है, और साइकोमोटर जो है वो हैंड। तीन एच आपके सामने आ गए, हेड, हार्ट एंड हैंड। ये तीनों एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं। कॉग्निटिव जो है वो आपके हेड से संबंधित है, अफेक्टिव जो है वो हार्ट से संबंधित है, और साइकोमोटर जो है वो हैंड से संबंधित है। कहने का तात्पर्य संज्ञानात्मक जो गतिविधियां हैं, दूसरा है अफेक्टिव जो भावात्मक गतिविधियां हैं, जो भावात्मक उद्देश्य हैं, या जो साइकोमोटर है, जो क्रियात्मक या मनोचालक भी बोलते हैं। तो क्रियात्मक जो है वह हैंड के द्वारा ही संपादित की जाती हैं, जो भी गतिविधियां रहती हैं। तो इस प्रकार तीन प्रकार की टीचिंग भी होती है। कॉग्निटिव लेवल की, जहाँ केवल ज्ञान की बात होगी, केवल और केवल हेड की बात चलेगी। एक अफेक्टिव होता है, अफेक्टिव जहाँ आप प्रभावित होते हैं, जहाँ आप कंपेरिजन करने लगते हैं, तुलना करने लगते हैं। दूसरा है साइकोमोटर, साइकोमोटर में है कि जब आप कोई काम करते हैं, जब आप लिखना शुरू कर देते हैं, आप अपने उंगलियों का प्रयोग करते हैं, जो आप अपने हाथ और पैर का प्रयोग करके जिन गतिविधियों को संचालित करते हैं, वह साइकोमोटर हो जाता है। तो जब आप बोर्ड पे लिखते हैं, कॉपी में लिखते हैं, ये साइकोमोटर टीचिंग हो जाता है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ टीचिंग की, तो ऑन द बेसिस ऑफ टीचिंग लेवल तीन लेवल आपके सामने दिख रहे हैं, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और तीसरा है रिफ्लेक्टिव लेवल। मेमोरी लेवल में यहां पर क्या होगा कि आपको मेमोरी स्तर की चीजें, यह बहुत ही प्रारंभिक लेवल का जो टीचिंग होता है, जब हम किसी चीज के बारे में बताते हैं कि यह क्या है, तो उसके बारे में आपको मेमोराइज कराया जाता है, आपको याद कराया जाता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप याद करके सीखते हैं, जानते हैं। आप देखे होंगे कि जो क्लास 1, 2, 3, 4, 5 वाले रहते हैं बच्चे, उनको जो है ज्यादातर मेमोरी लेवल की ही शिक्षा दी जाती है। फिर जब वो अपर क्लासेस में आते हैं तो अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है समझ स्तर का। समझ स्तर से तात्पर्य है कि मेमोरी लेवल पे आप कुछ चीजों को जान गए कि ये कुत्ता है, ये बकरी है, ये गाय है, ये भैंस है। ये चीजें जब आप जान जाते हैं तो इन चारों में आप डिफरेंस करने लगते हैं। जब आप अंतर करना पहचान जाते हैं कि कुत्ते में कुत्ते की क्या विशेषताएं हैं, बकरी की क्या है, गाय की क्या है, नहीं तो आप देखेंगे तो कुत्ता और बकरी आपको एक जैसा दिखेगा। छोटे बच्चे जो होते हैं वो अंतर नहीं कर पाते हैं, तो उनका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है, जो समझ होती है, वह आगे की कक्षाओं में, इसीलिए आप देखते होंगे अक्सर कंपैरिजन करने के लिए, तुलना करने के लिए, या अपने और समझ के द्वारा चीजों को लिखने के लिए। उसी तरीके से आप देखेंगे कुछ जो परीक्षा में प्रश्न आते हैं वह मेमोरी लेवल के होते हैं, कुछ अंडरस्टैंडिंग लेवल के होते हैं और कुछ रिफ्लेक्टिव लेवल के होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जहां आपसे पूछा जाए डायरेक्ट डिफिनेशन, डिफाइन लर्निंग, डिफाइन नाउन, ये क्या है, मेमोरी लेवल है। लेकिन जब अंडरस्टैंडिंग आ जाता है कि कौन सा कॉमन नाउन है, कौन सा प्रॉपर नाउन है, कौन सा मटेरियल नाउन है, ये आपके अंडरस्टैंडिंग की बात हो जाती है। फिर रिफ्लेक्टिव लेवल की बात आती है, जब आप रिफ्लेक्शन करने लगते, अर्थात अपने शब्दों में, अपने विचारों में, भावों को, घटनाओं को, संस्मरणों को व्यक्त करने लगते हैं, तो वह रिफ्लेक्टिव लेवल की टीचिंग हो जाती है। तो एक टीचिंग होती है मेमोरी लेवल की, एक होती है अंडरस्टैंडिंग लेवल की, एक होती है रिफ्लेक्टिव लेवल की। आजकल आप देखते होंगे एक कॉन्सेप्ट आया है ओपन बुक एग्जाम का, वर्तमान में जो कॉन्सेप्ट चल रहा है ओपन बुक एग्जाम का, उसमें ज्यादातर जो क्वेश्चंस होंगे वो रिफ्लेक्टिव लेवल के हैं। आपको बुक तो रहेगा लेकिन जो क्वेश्चन रहेंगे वो एक तरह से समझ लीजिए आप एप्लीकेशन ओरिएंटेड होते हैं। आपको उन प्रश्नों के उत्तर उन बुक में नहीं मिलेंगे, आपको अपने से बनाने रहेंगे, तो वो रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग हो जाता है। तो ये मेमोरी लेवल हो गया, अंडरस्टैंडिंग लेवल हो गया और रिफ्लेक्टिव लेवल हो गया। इसी तरीके से पढ़ाया भी जाता है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो मेमोरी लेवल पे पढ़ाए जाते हैं, कुछ अंडरस्टैंडिंग लेवल, कुछ रिफ्लेक्टिव। इसी तरीके से परीक्षा में भी जो प्रश्न आते हैं कुछ मेमोरी लेवल के होते हैं कि वो आपको याद होने चाहिए, अगर आपको परिभाषा याद है तब आप लिख पाएंगे। कुछ ऐसे होते हैं अंडरस्टैंडिंग, अगर आपकी समझ है कि टीचिंग और लर्निंग में क्या डिफरेंस है तो आप लिख पाएंगे, या एम और ऑब्जेक्टिव में क्या डिफरेंस है तब आप लिख लेंगे। रिफ्लेक्टिव लेवल में हो जाएगा जब आपको किसी एक परिस्थिति को देकर के दूसरी परिस्थिति के लिए आपसे पूछा जाए, आपको अपने शब्दों में वर्णन करने के लिए कहा जाए, वहां रिफ्लेक्शन होगा, वहां आपके अपने भाव विचार आएंगे। तो इस तरीके से जो प्रश्न है, इस तरह की जो टीचिंग है, वह रिफ्लेक्टिव टीचिंग कहलाएंगे। हम आगे बढ़ते हैं, हमारे सामने नेक्स्ट स्लाइड है, फेजेस एंड ऑपरेशंस ऑफ टीचिंग। यहाँ नीचे दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू जैक्सन 1966, द टीचिंग प्रोसेस कैन बी scientifically divided into the following three parts.
First one is pre-active stage, second one is interactive stage, third one is post-active stage. आपके सामने तीन स्टेज दिए हुए हैं. फेजेस ऑफ टीचिंग जो अवस्था है शिक्षण की, एक प्री एक्टिव है, एक इंटरएक्टिव है, पोस्ट एक्टिव है. आपको हम शॉर्ट में बताते चल रहे हैं यहाँ पर तीनों स्टेज की है क्या, इसका जो डिटेल है, इसके जो ऑपरेशन है, इसमें जो क्रियाएं हैं, प्रक्रियाएं हैं, वह आपको अगली स्लाइड्स में दिखेगा. पहला जो है प्री एक्टिव स्टेज, इसे हम हिंदी में पूर्व क्रिया अवस्था कहेंगे. इसके बारे में आपको बताते चलें कि वे सभी क्रियाएं, आपको ध्यान से सुनना है, वे सभी क्रियाएं जो शिक्षक कक्षा में जाने से पूर्व करता है, वे सभी क्रियाएं जो शिक्षक कक्षा में जाने से पूर्व करता है, इस अवस्था को शिक्षण नियोजन व्यवस्था भी कहते हैं, टीचिंग प्लानिंग स्टेज भी कहा जाता है. शिक्षण की इस अवस्था के अंतर्गत शिक्षक शिक्षण योजना का चयन करता है, उसका नियोजन करता है और अभीष्ट उद्देश्यों को वह प्राप्त कर सके. इसमें वह दूसरों से भी विचार विमर्श करता है. कहने का तात्पर्य यह है कि जितनी भी पढ़ाने के लिए तैयारियां की जाती हैं, आप कैसे अपना प्लान बनाते हैं, कौन सा आप स्ट्रेटजी अपनाएंगे, कौन सा मेथड अपनाएंगे, कैसे आप कंटेंट बनाएंगे, कौन सा उदाहरण देंगे, कौन सा कहानी सुनाएंगे, किस तरीके के आप प्रश्न पूछेंगे, ये सब जितने तैयारी संबंधित चीजें हैं वह पूर्व क्रिया अवस्था या प्री एक्टिव स्टेज के अंतर्गत आता है. कहने का तात्पर्य यह है कि पढ़ाने के लिए जो भी आप टीचिंग प्लानिंग करते हैं, इसको हम टीचिंग प्लानिंग स्टेज भी कहते हैं, तो जो भी आप योजना बनाते हैं, तैयारी करते हैं पढ़ाने के लिए, वह सभी गतिविधियां प्री एक्टिव स्टेज के अंतर्गत आएंगे. दूसरा है इंटर एक्टिव स्टेज, इसे हम हिंदी में अंतः प्रक्रिया अवस्था कहते हैं. अंतः प्रक्रिया अवस्था, इस अवस्था में शिक्षक कक्षा में प्रवेश करने के समय से लेकर पाठ्य वस्तु प्रस्तुत करने के समय तक इस अवस्था में रहता है. इसके अंतर्गत पाठ के विभिन्न तत्वों का वर्णन करना, प्रश्न पूछना, उत्तर सुनना आदि गतिविधियां संचालित होती हैं. कहने का तात्पर्य यह है कि प्री एक्टिव स्टेज में हम जहां तैयारी का कार्य करते हैं, वहीं ही इंटर एक्टिव स्टेज में हम क्लासरूम में घुसने से लेकर के अपने टॉपिक को समाप्त करने तक की गतिविधियों को करने के लिए, छात्रों को बताने के लिए, समझाने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए, व्याख्या करने के लिए, मौखिक संवाद, लिखित संवाद या जो भी हम शाब्दिक और अशाब्दिक संप्रेषण करते हैं, वह सभी इंटर एक्टिव स्टेज के अंतर्गत आता है. तीसरा स्टेज जो है पोस्ट एक्टिव स्टेज, उसमें जिसे हम उत्तर क्रिया अवस्था कहते हैं, इस अवस्था में शिक्षण कार्य समाप्त हो जाने के बाद शिक्षक सीखे गए कार्य का मूल्यांकन करता है. मूल्यांकन का कार्य उद्देश्यों के आधार पर किया जाता है. मूल्यांकन है तो शिक्षक विभिन्न प्रकार की मूल्यांकन प्रविधियों का प्रयोग करता है. मूल्यांकन करके शिक्षक यह जानने का प्रयास करता है कि उसने कक्षा में जो कुछ पढ़ाया है उसका प्रभाव छात्रों पर कैसा पड़ा तथा उनके व्यवहारों में किस सीमा तक परिवर्तन आया और भविष्य में वांछित व्यवहार की प्राप्ति के लिए किस प्रकार के परिवर्तन शिक्षण में किए जाने चाहिए. ये सभी कार्य पोस्ट एक्टिव स्टेज में होते हैं. इसमें आगे हम स्लाइड में देखेंगे कि एक एक स्टेज का जो ऑपरेशंस दिया हुआ है, पहला है टीचिंग ऑपरेशंस इन प्री एक्टिव स्टेज, तो
जो हम प्री एक्टिव हमारा जो पूर्व क्रियावस्था है उसमें हमारी जो प्रमुख गतिविधियां होंगी, हम अपने उद्देश्यों का निर्धारण करेंगे। दूसरा है हम क्या कौन सा कंटेंट पढ़ाने जा रहे हैं उसका भी हम निर्धारण कर लेंगे, उसका चयन कर लेंगे। अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स एंड स्टाइल ऑफ टीचिंग, जितनी भी उससे संबंधित जो भी चीजें हैं, एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं, जो भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है या जो भी स्टाइल ऑफ टीचिंग है, हमारा जो पढ़ाने की जो शैली होगी उसका भी निर्धारण कर लेना है। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग अबाउट स्ट्रेटजीज ऑफ टीचिंग, हम कौन सी नीति अपनाने जा रहे हैं हम उसका भी निर्णय कर लेंगे। सिलेक्शन ऑफ टीचिंग एज फॉर स्पेसिफिक कंटेंट, अगर हमारा जो पाठ्य वस्तु है, पाठ्य विषय है, उससे संबंधित किसी शिक्षण अधिगम सामग्री की आवश्यकता है तो उसका भी हम प्रबंध कर लेंगे। ये सभी कार्य जो है हमारे तैयारियों से जुड़े हुए हैं और ये प्री एक्टिव स्टेज में इतनी गतिविधियां संचालित होती हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑपरेशंस ऑफ टीचिंग ड्यूरिंग इंटरएक्टिव स्टेज, जो हमारा बीच का फेज है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हम क्या करेंगे, पहला काम है समथिंग ऑफ द क्लास। हम अगर क्लास में एज अ टीचर जब एंट्री ले लेते हैं, जब हम प्रवेश करते हैं किसी क्लासरूम में, कक्षा में, तो जब शिक्षक प्रवेश करता है तो वह कक्षा में बैठे हुए छात्रों पर एक सरसरी निगाह डालता है, कक्षा की अनुभूति करके उसे पता चल जाता है कि अच्छे और कमजोर छात्र कहाँ बैठे हैं और उन्हें किस प्रकार शिक्षण व्यवस्था में सहायता मिलेगी। इस प्रकार वह कक्षा का भौतिक नियोजन कर लेता है। दूसरी तरफ शिक्षक तो करता ही करता है, छात्र भी शिक्षक की तैयारियों को देख करके वह भी यह जानने का प्रयत्न करते हैं कि शिक्षक कितना योग्य है, वह किस विधि के द्वारा अभी पढ़ाने जा रहा है, उसकी प्रभावशीलता क्या है। तो इसलिए शिक्षक को भी अपनी कक्षा के प्रति काफी जागरूक रहना चाहिए। शिक्षक के जो हाव भाव हैं, वेशभूषा है, बोलने का ढंग है, ये सभी प्रभावशाली होना चाहिए, तभी छात्र आपसे प्रभावित होगा, तभी वह कुछ नया सीखेगा। अगला बिंदु है इसमें डायग्नोसिस ऑफ लर्नर, छात्रों का यह निदान भी करना है। कहने का तात्पर्य यह है कि छात्रों का जो स्तर है, उनका पूर्व ज्ञान है, योग्यताएं हैं, क्षमताएं हैं, अभिवृत्ति है, रुचियां हैं, वह किस प्रकार की है, उस किस स्तर पर पाठ को पढ़ाया जाना चाहिए, यह भी छात्रों की योग्यता आदि का निदान करते हुए शिक्षक को अपने पाठ विषय को कक्षा कक्ष में संपादित करना चाहिए। अगला है वर्बल एंड नॉन वर्बल इंटरेक्शन, आप कहाँ पर छात्रों से अपने शब्दों के द्वारा और कहाँ आप अपने भाव भंगिमा के द्वारा, आप अपने फेशियल एक्सप्रेशन के द्वारा उनसे इंटरेक्शन करेंगे। अगला है सिलेक्शन ऑफ स्टिमुली, आप लोग इसको साइकोलॉजी में पढ़े होंगे, जो उद्दीपक है, उद्दीपक आप किस प्रकार से देंगे। कहने का तात्पर्य है कि अपने शब्द भी उद्दीपक का कार्य करते हैं, आप सिलेक्शन करेंगे, चयन करेंगे कि आपको किस तरह के शब्दों को रखना है। फिर प्रेजेंटेशन ऑफ स्टिमुली, अगर आप कोई और उद्दीपक ले रहे हैं या कोई टीचिंग लर्निंग मटेरियल लेकर के जा रहे हैं, अगर आप साइंस के टीचर हैं और आप सूक्ष्मदर्शी वगैरह के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आप उस तरीके के कुछ टीचिंग लर्निंग मटेरियल लेकर के जाएंगे जिस तरीके से बच्चे उनके प्रति अनुक्रिया करेंगे, प्रतिक्रिया करेंगे। अगला है फीडबैक एंड रीइंफोर्समेंट, जिस तरीके का आप स्टिमुलस बच्चों को देंगे, प्रेजेंट करेंगे, उसी तरीके से बच्चे रिस्पॉन्स करेंगे और उसी आधार पर आप उन्हें फीडबैक देंगे, रीइंफोर्समेंट देंगे। रीइंफोर्समेंट अभी आपने पढ़ा है दो तरीके का होता है, पॉजिटिव और निगेटिव, शब्दों के द्वारा भी होता है। अगर आपकी क्लास में कोई कंपटीशन हुआ है, एस्से कंपटीशन, क्विज कंपटीशन इस तरीके का भी हुआ है, तो बच्चे उसमें जो जीते हारे हैं आप निश्चित तौर पर उन्हें पुरस्कार देंगे।
जिनको नहीं मिलेगा वो उनके लिए जो है मोटिवेशन का कार्य करता है। तो इस तरीके से डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटजीज, आप जो नीति बनाते हैं उसका किस तरीके से आप विकास करेंगे, यह भी इस अवस्था में महत्वपूर्ण होता है। लास्ट स्टेज है ऑपरेशन ऑफ द पोस्ट एक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग, जो हमारा एक तरह से देखा जाए तो यह मूल्यांकन से संबंधित गतिविधि है। उत्तर क्रिया अवस्था में जो कार्य क्रियाएं हैं वो ये हैं कि डिजाइनिंग एग्जैक्ट डायमेंशंस ऑफ बिहेवियरल चेंज, परिवर्तन के वास्तविक रूप की परिभाषा करना। आप जो पाठ को पढ़ाने के बाद जो उनके व्यवहार में परिवर्तन की आप अपेक्षा कर रहे हैं, उनकी चर्चा पर चर्चा कर लेना है। अगर आप वांछित परिवर्तन छात्रों में आ गया है तो आपका शिक्षण सफल रहा, उद्देश्यों की प्राप्ति हो गई। अगर इसके विपरीत परिणाम आए तो वह शिक्षण की असफलता की ओर इशारा करता है। दूसरा है सिलेक्टिंग एप्रोप्रिएट डिवाइस एंड टेक्निक फॉर इवैल्यूएशन, मूल्यांकन की उपयुक्त प्रविधियों का चयन। शिक्षक छात्रों के व्यवहार परिवर्तन के मूल्यांकन हेतु विश्वसनीय वस्तुनिष्ठ तथा वैलिड प्रविधियों का चुनाव करता है। मूल्यांकन करते समय ऐसी प्रविधियों का चयन करना चाहिए जो ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा कौशलात्मक, क्रियात्मक पक्षों का सही मूल्यांकन कर सके। कहने का तात्पर्य यह है कि जब आप मूल्यांकन करें तो उनके स्मृति स्तर, समझ स्तर और रिफ्लेक्टिव लेवल का जो टीचिंग है उससे संबंधित उनके ज्ञान में क्या विकास हुआ है, क्या परिवर्तन हुआ है, उसकी भी आपको जानकारी हो सके। दूसरा है चेंजिंग द स्टेजेस इन टर्म्स ऑफ एविडेंस गैदर्ड, प्राप्त परिणामों से शिक्षण नीतियों में परिवर्तन। अगर भविष्य में लगता है कि नहीं हमें अपनी कुछ नीतियों में परिवर्तन करने की आवश्यकता है तो उसमें भी हम परिवर्तन कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग है वह समाप्त होता है। अब हम लोग एक थोड़ा सा इससे जुड़ा हुआ ही है उसकी बात करेंगे कि व्हाट इज द टीचिंग स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी क्या है? स्ट्रेटजी आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि टीचिंग में रिफर्स टू प्लान फॉर कंडक्टिंग इंस्ट्रक्शन और एन एक्टिविटी। तो टीचिंग स्ट्रेटजी क्या है, इसे हिंदी में शिक्षण नीति कहेंगे। यहाँ आप देखेंगे टीचिंग और स्ट्रेटजी दो शब्द हैं, एक टीचिंग है एक स्ट्रेटजी है। टीचिंग मतलब शिक्षण, स्ट्रेटजी मतलब नीतियां। तो शिक्षण संबंधित नीतियां, और इसको अगर हम सरल करके देखें तो इसे हम योजना भी कहते हैं, चतुराई भी कहते हैं, कौशल भी कहते हैं। आपको बताते चले ये स्ट्रेटजी जो शब्द है ये युद्ध कला तथा युद्ध कौशल से संबंधित है, वहां से लिया गया है। इसका अधिकतर युद्ध में सेना को उचित स्थान पर खड़े करने तथा लड़ने की कला के संदर्भ में प्रयोग किया जाता था। युद्ध विज्ञान नीति शब्द को शैक्षिक तकनीकी में लिया गया है। यहाँ पर नीतियों से अभिप्राय ऐसी कौशल पूर्ण व्यवस्था से हैं जिन्हें कक्षागत परिस्थितियों में शिक्षक अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए तथा छात्रों के व्यवहारों में वांछित परिवर्तन लाने के लिए करता है। यहाँ और हम विस्तृत रूप में जानेंगे कि व्हाट इज टीचिंग स्ट्रेटजी। टीचिंग इज एन इंटरेक्टिव प्रोसेस विच इज परफॉर्म इन द क्लासरूम सिचुएशन। टीचिंग इज एन इंटरेक्टिव प्रोसेस विच इज परफॉर्म इन द क्लासरूम सिचुएशन बाय स्टूडेंट्स एंड टीचर्स इन ऑर्डर टू रियलाइज द डिजायरेबल ऑब्जेक्टिव। तो टीचिंग क्या है? इंटरेक्टिव प्रोसेस है।
और यह क्लासरूम की Teaching is an interactive process which is performed in the classroom situation by students and teachers. तो जो टीचिंग है, जो शिक्षण का कार्य है, वह कक्षा कक्ष के माहौल में स्टूडेंट और टीचर के द्वारा डिजायरेबल ऑब्जेक्टिव्स जो हमारे वांछित उद्देश्य होते हैं उनको पूरा करने के लिए इस प्रक्रिया को संपादित किया जाता है। दूसरा है स्ट्रेटजी पॉइंट्स आउटवर्ड पॉलिसी प्लान स्किल एंड डेक्सटरिटी, जो नीति है वह योजना है, नीति है, कौशल है और चतुराई है। हियर बाई ए स्ट्रेटजीज मीन्स अ स्किलफुल अरेंजमेंट विच इज यूज बाई ए टीचर टू रियलाइज हिज ऑब्जेक्टिव एंड टू ब्रिंग अबाउट डिजायरेबल बिहेवियरल चेंजेस इन स्टूडेंट। यहाँ टीचिंग स्ट्रेटजी से जो अभिप्राय है वह ऐसे कौशल पूर्ण व्यवस्था से है जिन्हें कक्षागत परिस्थितियों में शिक्षक अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए छात्रों के व्यवहारों में वांछित परिवर्तन लाने के लिए करता है। ये टीचिंग स्ट्रेटजी होती है। अब इसकी कुछ परिभाषाएं हैं। स्ट्रेटजीज आर ब्रॉड मेथड्स ऑफ टीचिंग। डेविस ने कहा है कि नीतियां जो है वो शिक्षण की व्यापक विधियां हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि शिक्षण की गतिविधि को संचालित करने के लिए जो व्यापक विधि उसके अंतर्गत सभी चीजें समाहित होती हैं वह नीति है जिसे हम स्ट्रेटजी कहते हैं। दूसरी परिभाषा है टीचिंग स्ट्रेटजी इज दैट प्लान व्हिच लेज स्पेशल इंफोसिस ऑन टीचिंग ऑब्जेक्टिव behavioral changes, concern, task analysis, learning experiences and background factors of students. तो स्ट्रेसर ने जो परिभाषा दिया है कि शिक्षण नीति में वे योजनाएं होती हैं जिसमें शिक्षण के उद्देश्यों, छात्रों के व्यवहार परिवर्तन, पाठ्य वस्तु, कार्य विश्लेषण, अगम अनुभव तथा छात्रों की पृष्ठभूमि आदि को विशेष महत्व दिया जाता है। तो ये टीचिंग स्ट्रेटजी की डिफिनेशन थी। आगे हम इसकी विशेषताओं की चर्चा करेंगे। जो हमारी शिक्षण नीतियां हैं उनकी विशेषताएं क्या है? तो पहली विशेषता है वो ये है कि टीचिंग स्ट्रेटजी पॉइंट्स टुवर्ड्स द मॉडल। कहने का तात्पर्य शिक्षण नीतियां शिक्षण कार्यों के किसी प्रतिमान की ओर संकेत करती हैं, किसी न किसी मॉडल के रूप में। एक मॉडल का कहने का तात्पर्य है कि हम उसके अनुसार अनुसरण करें। यहाँ पर एक ऐसी नीति रहे वह किसी न किसी मॉडल के ऊपर प्रतिमान के ओर संकेत करती है। दूसरा है हेल्पफुल इन रियलाइजेशन ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव। शिक्षण नीतियां जो है वो शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होती है। तीसरा है एन इम्पोर्टेंट वर्क इन द फील्ड ऑफ बिहेवियरल चेंज। कहने का तात्पर्य ये व्यवहार परिवर्तन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। अगला है दीज फंक्शंस आर इम्पोर्टेंट इन टास्क एनालिसिस एंड स्पीच स्ट्रक्चर। ये कार्य विश्लेषण
अगला है एनहेंसेस टीचिंग स्किल्स, या शिक्षक की जो शिक्षण कौशल होते हैं उनको भी बढ़ाने में मददगार है। इट प्रोवाइड्स अ डेवलप्ड एंड साइंटिफिक बेसिस टू टीचिंग लर्निंग, ये शिक्षण प्रक्रिया को उन्नत तथा वैज्ञानिक आधार प्रदान करती है। तो कहने का तात्पर्य है कि शिक्षण को अगर वैज्ञानिकता का पुट मिल रहा है तो हम कह सकते हैं कि शिक्षण विज्ञान भी है और कला भी है, दोनों है। तो ये शिक्षण नीति की विशेषताएं थी। अब हम लोग आगे चर्चा करेंगे वेरियस टीचिंग स्ट्रेटजीज की। वेरियस टीचिंग स्ट्रेटजीज जो है वो पहला आपके सामने दिख रहा होगा लेक्चर स्ट्रेटजी। आप लोग भली भांति परिचित होंगे, ज्यादातर अगर हम बात करें लेक्चर स्ट्रेटजी की तो लेक्चर स्ट्रेटजी यह बड़ी कक्षाओं के लिए काफी उपयोगी होता है। आपने जब ग्रेजुएशन किया होगा, जब आप स्कूलिंग अपना 12th खत्म कर लिए होंगे, जब आप कॉलेज में पहुंचे होंगे तो ज्यादातर प्रोफेसर जो है लेक्चर स्ट्रेटजी के द्वारा ही अपनी टीचिंग क्रिया प्रक्रिया को संपादित करते हैं। इसको हिंदी में व्याख्यान विधि कहा जाता है। व्याख्यान का तात्पर्य किसी भी पाठ को भाषण के रूप में पढ़ाने से है। शिक्षक व्याख्यान देते हैं और छात्र निष्क्रिय होकर के सुनते हैं। यह बड़ी कक्षाओं को पढ़ाने के लिए ज्यादा उपयोगी होता है। दूसरा है डेमोन्स्ट्रेशन स्ट्रेटजी, यह प्रदर्शन नीति है। इसमें छात्र एवं शिक्षक दोनों सक्रिय रहते हैं और जो कुछ भी शिक्षक अपने क्लास में अपनी टेबल से प्रदर्शित करता है, छात्रों को दिखाता है, छात्र उसे देखकर सीखने की कोशिश करते हैं। वह अपने शिक्षक कभी कभी अपने शरीर संचालन के द्वारा, कभी कभी कुछ इस प्रकार के टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स होते हैं, शिक्षण अधिगम सामग्री होती है, उनको दिखा करके वहां अपनी शिक्षण की गतिविधियों को संचालित करता है। तीसरी जो नीति है वो है सुपरवाइज्ड स्टडी स्ट्रेटजी। सुपरवाइज्ड स्टडी स्ट्रेटजी का तात्पर्य है, हिंदी में इसे निरीक्षित अध्ययन नीति कहेंगे। इसमें क्या होता है कि शिक्षक कुछ ऐसे साहित्य जो आपके पाठ विषय होते हैं, पाठ वस्तु होते हैं, उनसे संबंधित पेज को वो पहले से प्रिंट करा करके या अलग अलग पुस्तकों में जैसा भी रहता है वह लेकर के आते हैं और अपने निरीक्षण में ही छात्रों को पढ़ने के लिए देते हैं और उनकी समस्याओं को समाधान की ओर ले जाने का प्रयास करते हैं। तो शिक्षक भी इसमें मौजूद रहते हैं और कभी कभी छोटे छोटे समूह में भी कर देते हैं और कभी कभी जो है वह इंडिविजुअल भी पढ़ने के लिए दे देते हैं। और जो भी कहने का तात्पर्य जिस तरीके से अंतिम पैसेज वगैरह क्लास में कराया जाता है उस तरीके की गतिविधियां संचालित होती हैं। अगला है ह्यूरिस्टिक स्ट्रेटजी, अन्वेषण नीति, इसे हिंदी में अन्वेषण कहेंगे। इसमें छात्र स्वयं खोज करके सीखते हैं। इस नीति के जन्मदाता आर्मस्ट्रांग हैं। छात्र स्वयं वांछित सूचना एवं सिद्धांतों की खोज करते हैं, आवश्यक प्रयोग करते हैं, वह धीरे धीरे जो कुछ भी उनको मिलता है खोज करते हुए वो चले जाते हैं, पढ़ते हुए चले जाते हैं और अपनी जरूरत के मुताबिक अपने बिंदुओं को लिखते रहते हैं। दूसरा अगला है प्रोजेक्ट स्ट्रेटजी। हम बहुत ही संक्षेप में इन टीचिंग स्ट्रेटजीज पर प्रकाश डाल रहे हैं और आप लोगों को कहीं कंफ्यूजन होगा तो आप जो है प्रेजेंटेशन समाप्त होने पर पूछ भी सकते हैं। प्रोजेक्ट स्ट्रेटजी आप अक्सर देखते होंगे कि प्रोजेक्ट कार्य स्कूल में भी कॉलेज में भी दिया जाता है या बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट लोग बनाते हैं, तो उसी तरीके का यह प्रोजेक्ट जो है वो शिक्षक भी अपने शिक्षण के दौरान अपनाता है। प्रोजेक्ट स्ट्रेटजी जो जिसे हिंदी में प्रायोजना नीति कहते हैं,
जान देवी के शिष्य के पैट्रिक ने इस विधि को जन्म दिया था। यह बहुत ही प्रचलित विधि है। डीएलएड के भी प्रशिक्षुओं को प्रोजेक्ट कार्य दिए जा रहे हैं सभी विषयों में। बीएड वालों को भी प्रोजेक्ट वर्क मिलता है। बताते चले कि जो प्रोजेक्ट होता है वह किसी न किसी उद्देश्य को लेकर के होता है। प्रोजेक्ट जब दिया जाता है तो उसका तात्पर्य होता है कि जो इसे करे वह क्रियाशील रहे, निष्क्रिय ना रहे। और प्रोजेक्ट जब भी रहेगा वो वास्तविक रहेगा, कोई आभासी नहीं रहेगा। दूसरा, वह उपयोगी भी होना चाहिए। और प्रोजेक्ट कार्य को करने में विद्यार्थियों को स्वतंत्रता भी रहती है। दूसरा है, इसमें कहीं ना कहीं सामाजिक विकास की भी बात निहित होती है। तो इस प्रकार से जो प्रोजेक्ट स्ट्रेटजी है वह जॉन डीवी के शिष्य किलपैट्रिक द्वारा जन्म दी गई है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप सभी इससे भली भांति परिचित हैं। अगला है असाइनमेंट स्ट्रेटजी। आप सभी असाइनमेंट कार्य भी खूब अच्छे से करते हैं, लेकिन ये बताते चलें कि असाइनमेंट को हिंदी में दत्त कार्य नीति कहते हैं। शिक्षण प्रणाली में स्थायी अधिगम व्यवहारों का निर्माण करने में योग देने वाली दत्त कार्य नीति महत्वपूर्ण है। इसका संबंध पाठ इकाई आज से विद्यालय में पूरे वर्ष रहता है। कहने का तात्पर्य यह है कि शिक्षक जो भी आपके लेसन होते हैं, जो भी आपके यूनिट होते हैं, उससे संबंधित बिंदुओं को छोटे छोटे टॉपिक में तोड़ करके असाइनमेंट कार्य आपको दे दिया जाता है कि आप करें, सीखें। जो सरल बिंदु होते हैं उन्हें असाइनमेंट के द्वारा पूरा करने का प्रयास किया जाता है और यह पूरे वर्ष चलता रहता है। असाइनमेंट दिया जाता रहता है, आप लोग लिखते रहते हैं, समझते रहते हैं। तो यह भी एक शिक्षा की नीति है कि हम असाइनमेंट कार्य के द्वारा या दत्त कार्य के द्वारा छात्रों को छोटे छोटे शीर्षकों में विभाजित करके निर्धारित समय के लिए उन्हें दिया जाता है। इसमें छात्र आवश्यकता अनुसार पुस्तकालय का, प्रयोगशाला का मदद ले लेते हैं। फिर बाद में शिक्षक जो है वह निरीक्षण कर लेता है और इस तरीके से दत्त कार्य की प्रक्रिया संपादित होती है। अगली है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टडी। समस्या समाधान विधि का जन्म प्रयोजनवाद के फलस्वरूप हुआ। इसमें छात्र अपने पास से संबंधित समस्याएं छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत करता है और छात्र अपनी रुचि एवं क्षमता के अनुसार उनके समाधान में लग जाता है। इस विधि में समस्या छात्रों के समक्ष स्पष्ट शब्दों में रखी जानी चाहिए तथा उनके अधिगम अनुभवों पर आधारित होनी चाहिए। इसमें जो समस्या होता है उसका सबसे पहले चयन किया जाता है, फिर छात्रों के सामने प्रस्तुत किया जाता है, फिर समस्या से संबंधित जितने भी पहलू होते हैं उनका एकत्रीकरण किया जाता है, फिर एक संभावित समाधान की ओर बढ़ा जाता है और सभी मिलकर निष्कर्ष पर चर्चा करते हैं और एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। इस प्रकार अंत में मूल्यांकन करते हैं और समस्या समाधान विधि के द्वारा। आपको बताते चले कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है वह मनोविज्ञान में बहुत ही ज्यादा यूज की जाती है और आज वर्तमान समय में जितने भी IIT IIM आपके नेशनल इम्पोर्टेंस के कॉलेजेस हैं वहाँ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी को बहुत ज्यादा अपनाया जा रहा है। कोई भी समस्या आती है वहाँ शिक्षक जो है उस समस्या को सभी विद्यार्थियों के समक्ष रख देता है और उन्हें समूहों में विभक्त कर देता है और सभी समस्या का संभावित समाधान लेकर के आते हैं और चार पांच समाधान होने पर एक बेस्ट समाधान को अपना लिया जाता है। इस प्रकार प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी को लागू किया जाता है। दूसरा है डिस्कशन स्ट्रेटजी। डिस्कशन का तात्पर्य यहाँ पर वार्तालाप से है, इसे हिंदी में वार्तालाप कहते हैं। इसमें शिक्षक जो है विद्यार्थियों के मध्य जो है वार्तालाप या वाद विवाद के द्वारा समाधान पर पहुंचने की कोशिश करते हैं और ज्यादातर क्लासरूम में शिक्षक अपने छात्रों से वार्तालाप करते रहते हैं, समस्याओं का समाधान करते रहते हैं।
अगला है रिव्यू स्टेट जी। आप रिव्यू का मतलब है समीक्षा करना। अगर हम इसे बताएं कि विचार करने, आपने जो कार्य किया है, जो फैसला लिया है, उस पर विचार करने से, तथ्यों को स्मरण करके उनकी समीक्षा करने तथा महत्वपूर्ण निष्कर्षों पर पहुंचने से। आपको बताते चले कि आप देखते होंगे जब आप क्रिकेट होता है, आईपीएल होता है या जो भी होता है, अंपायर कभी कभी कंफ्यूज रहता है, वो डिसीजन नहीं दे पाता है, या आजकल आ गया है फैसले का रिव्यू भी ले लेते हैं, तो उसमें यही है। इसी तरीके से जो भी कार्य है, जो भी काम आप कर चुके हैं, कोई प्रोजेक्ट है उसकी भी समीक्षा कर सकते हैं। आपके सीनियर ने उस प्रोजेक्ट को लिया था, उसको भी आप पूरा कर सकते हैं, उसकी समीक्षा कर सकते हैं, आप उसको और आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसी तरीके से जो भी कार्य हो गया रहता है उस पर विचार करना और तथ्यों को स्मरण करके उनकी समीक्षा करने से है। ये रिव्यू स्टेज हो गया। अगला है ट्यूटोरियल, जिसे हिंदी में अनुवर्ग नीति कहते हैं। इसमें कक्षा को छोटे छोटे समूहों में बांटकर शिक्षक प्रत्येक समूह की समस्याओं के समाधान की खोज करता है। कभी कभी इसमें जो समूह होते हैं वह बड़े भी हो जाते हैं और कभी कभी छोटे छोटे समूहों में। और आपके सामने जो वेरियस टीचिंग स्ट्रेटजीज है उसकी दूसरी स्लाइड है, जिसमें पहला है डिस्कवरी स्ट्रेटजी। आपको यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। इससे पहले जो है हमने एक और स्ट्रेटजी का नाम लिया था जिसका नाम था ह्यूरिस्टिक। ह्यूरिस्टिक जो है वो साइंस से संबंधित है और डिस्कवरी जो है वह सोशल साइंस से संबंधित स्ट्रेटजी है। ये आपको हम बताते चले। ये डिस्कवरी जो है ये ऐतिहासिक खोज नीति है। इसमें हम प्राचीन घटनाओं का अध्ययन करते हैं। ह्यूरिस्टिक में क्या होता है कि हम वर्तमान की समस्याओं का, घटनाओं का खोजते हैं, समाधान निकालते हैं। इसमें सामाजिक विषयों, तथ्यों के ज्ञान के लिए डिस्कवरी स्ट्रेटजी पर बल दिया जाता है या ऐतिहासिक खोज नीति पर। इसमें इस विधि के द्वारा छात्रों को चिंतन, सूझबूझ तथा निरीक्षण क्षमता का विकास करने का मौका मिलता है। जो डिस्कवरी स्ट्रेटजी है यह मूलतः सोशल साइंस के विषयों में, सामाजिक विषयों में ज्यादा प्रयोग किया जाता है और ह्यूरिस्टिक जो है वो विज्ञान विषयों में ज्यादा यूज होता है। क्वेश्चन आंसर स्ट्रेटजी, अगली जो स्ट्रेटजी है क्वेश्चन आंसर, जो हमारा प्रश्नोत्तर है, आप देखे होंगे जो केबीसी चलता है, कौन बनेगा करोड़पति अमिताभ बच्चन द्वारा, वह इसी विधि पर आधारित है। प्रश्नोत्तर और क्विज, क्विज का जितना भी कार्यक्रम होता है वह क्वेश्चन आंसर पर ही होता है। इसे हम सुकराती विधि भी कहते हैं क्योंकि इसे सुकरात ने जन्म दिया था। तो प्रश्न और उत्तर के माध्यम से महत्वपूर्ण कार्य यह है कि आपको प्रश्नों को व्यवस्थित रूप से पहले तो निर्मित करना होगा, फिर उन्हें समुचित रूप से छात्रों के सामने रखना है। तीसरा है छात्रों से संबंध स्थापित करते हुए नवीन ज्ञान देना है उनको। तो ये प्रश्नोत्तर विधि में है कि आपके प्रश्न जो है वो समुचित रूप से निर्मित रहे। तो आप कुछ कराने जा रहे हैं या जो भी आपने पढ़ाया है उस पर आप जो है प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम आप रख रहे हैं, तो जो प्रश्न बनाए वह निर्विवाद रहे, किसी तरीके के विवाद न रहे और छात्रों के सामने बिना किसी भेदभाव के रखे जाएं और उनसे संबंध स्थापित करते हुए उन्हें नवीन जानकारी दी जाए। अगला है रोल प्लेइंग स्ट्रेटजी। रोल प्लेइंग जो स्ट्रेटजी है इसे पात्र अभिनय या भूमिका निर्वाह नीति कहा जाता है। इसमें एक तरीके से आप देखते होंगे जितने भी नाटक होते हैं या रंगमंच की जितनी भी गतिविधियां होती हैं, आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे बिंदु होते हैं जो जटिल होते हैं, शिक्षक उन्हें रोल प्ले के द्वारा, अभिनय के द्वारा छात्रों के सम्मुख रख दिए जाते हैं। जैसे अभी अभी लॉकडाउन के दौरान रामायण महाभारत जैसी कहानियों पर आधारित सीरियल्स का प्रसारण हुआ तो बहुत सारे बच्चे उन कहानियों को देख करके जान गए। तो रोल प्ले के द्वारा भी आप शिक्षा कार्य कर सकते हैं।
और बताते चलें कि रोल प्ले के द्वारा जो है हम आपको बताएं, एक बार एक टीचर जो है सोलर सिस्टम पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने 8 स्टूडेंट्स को, जो किसी को मार्स बना दिया, किसी को जुपिटर, किसी को वेनस, किसी को यूरेनस, ऐसे ही सबको बना दिए और उसी तरीके से उन्होंने रोल प्ले करा दिया। अगला है ब्रेन स्टॉर्मिंग स्ट्रेटजी, इसे मस्तिष्क विप्लव कहते हैं हिंदी में, ज्ञान प्राप्ति तथा चिंतन के प्रति हलचल मचा देता है। ब्रेन स्टॉर्मिंग में ये होता है कि शिक्षक किसी समस्या के समाधान से संबंधित आपसे प्रश्न पूछेंगे और सभी कक्षा के छात्र उत्तर देंगे और उन उत्तरों को शिक्षक जो है ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड पे लिखता जाता है और अंत में वह अपने उद्देश्य पर पहुंच जाता है, अर्थात समाधान की ओर अग्रसर हो जाता है। अगला है सेंसिटिविटी ट्रेनिंग स्ट्रेटजी। सेंसिटिविटी ट्रेनिंग इसमें जैसे कि नाम से है कि संवेदनशील प्रशिक्षण नीति, इसमें छात्रों के आपसी संबंध विकसित करके उन्हें किसी समस्या के प्रति संवेदनशील बनाया जाता है। जो भी समस्या है, अगर कहा जाए कि आपका परीक्षा नहीं हो रहा है या जो भी गतिविधियां है, कोई समस्या आ रही है, उसमें आपको उस समस्या के प्रति संवेदनशील बना देना, जागरूक कर देना और आप कलेक्टिवली समूह के रूप में उस समाधान की ओर उन्मुख हो जाए, अग्रसर हो जाए। अगला है इंडिपेंडेंट स्ट्रेटजी, इसमें इसका एक शब्द में आपको बताना चाहेंगे कि यह स्वतंत्र अध्ययन नीति है। इसमें स्वाध्याय को बढ़ावा दिया जाता है और स्वाध्याय के द्वारा ही शिक्षण कार्य किया जाता है। अगला है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजी। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन जो है इसे हिंदी में अभिक्रमित अनुदेशन कहते हैं। अभिक्रमित अनुदेशन, इस नीति के प्रवर्तक स्किनर तथा क्राउडर थे। इसमें क्या होता है कि छात्रों को पाठ्य वस्तुओं को छोटे छोटे पदों में पढ़ना होता है और अनुक्रिया लिखना होता है। छात्र अनुक्रिया के माध्यम से नया ज्ञान प्राप्त करते हैं। दूसरा है एजुकेशनल एक्सकर्शन। आप अच्छी तरह से जानते होंगे जो शैक्षिक भ्रमण के कार्यक्रम होते हैं, या बहुत से ऐसे शिक्षक हैं जो घूमने पर ही बल देते हैं, भूगोल विषय में या अन्य विषयों में भी बहुत ज्यादा भ्रमण कराया जाता है। आपने देखा होगा कि अदर कंट्रीज के लोग जो है वो भ्रमण में ज्यादा बिलीव करते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं। आपको किताब रटाने से अच्छा है कि पूरे भारत का एक महीना एक स्टेट में आपको घुमाया जाए, तो आप 35-40 महीने में जो है आप पूरा भारत को अच्छी तरीके से जान जाएंगे, वहां का क्या खान पान है, क्या वेशभूषा है, क्या बोली भाषा है और बहुत कुछ सीख जाएंगे आप। तो भ्रमण के द्वारा भी शिक्षण कार्य किया जा सकता है। अगला है टीम टीचिंग। टीम टीचिंग में इसमें 2-3 विशेषज्ञ एक साथ आपकी क्लास में आएंगे और वो ज्वाइंटली आपको 1-2 विषय पे, जैसे अगर बताया जाए कि माइक्रो टीचिंग का भी क्लास हुआ आपका, तो कोई टीचर जो है आपको इंट्रोडक्शन के बारे में बताए, कोई आपको रिइंफोर्समेंट के बारे में बताए, कोई आपको स्टिमुलस वेरिएशन के बारे में बताए, तो ये 2-3 टीचर एक साथ जब आते हैं वो टीम टीचिंग हो जाता है। अगला है माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग आप अच्छी तरीके से आपने अभी अभी किया है तो आप इसको अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे, और उसमें शिक्षण के द्वारा जो है, या भी एक नई अभी बहुत ही प्रचलित हो गया है कि कम लोगों के द्वारा उसी समूह के द्वारा उन्हीं से फीडबैक लेकर के शिक्षण कार्य को संपादित किया जाए। तो इस तरीके से आपके सामने ये विभिन्न शिक्षण नीतियां बताई गई और उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आया होगा। अब हम लोग जो है क्वेश्चन आंसर सेशन की ओर प्रोसीड करते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग जो है इस करके पूछिए। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, आपने बीच में एक बताया था ओपन बुक। सर, ओपन बुक क्या होता है? ओपन बुक एग्जाम जो है नया कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जैसे yes. आपको ओपन बुक दे दिया जाए और हम क्वेश्चंस आपको उस बुक से संबंधित, मतलब बेस्ड तो वही रहेगा, आउट ऑफ सिलेबस नहीं होगा, लेकिन
आपको मेमोरी लेवल का क्वेश्चन उसमें मिल जाएगा, अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा, लेकिन जो रिफ्लेक्टिव लेवल का आंसर क्वेश्चन आंसर है, अगर आपको कहा जाए कि आप जो है एक ट्रेनिंग मॉड्यूल बना करके दीजिए, ठीक है, या कोई प्रोग्राम शेड्यूल आप बना करके दीजिए, या आप जो है आपने आप जो है अभी जो भी लॉकडाउन रहा है उसका जो भी अच्छी चीजें आपने ऑब्जर्व किया या खराब चीजें थी उनका आप जो है एक रिव्यू करके दी, तो वो जल्दी से आपकी बुक में नहीं मिले। आपको अपने से सोच करके जो लिखना होगा बनाना होगा वही चीज है जो हम लोग प्रैक्टिकल वे में करते हैं उसको भी ले सकते हैं सर, डेली ऑब्जर्व करना ले सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। और कोई क्वेश्चन? हेलो सर। हाँ बोलिए। आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। बीच में मेरा क्लास छूट गया था सर, ये टीचर लर्निंग का ही पार्ट पढ़ा रहे थे सर। हाँ यस सर, थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून सर। हाँ बोलिए सर। मैं पूछना चाहती हूँ, टीचिंग पार्ट है लर्निंग का या लर्निंग पार्ट है टीचिंग का? टीचिंग लर्निंग का पार्ट है। यस सर, थैंक यू सर। और कोई क्वेश्चन? सर हर स्ट्रेटजी सर फिर समझा दीजिए सर। हेरिस्टिक? हाँ सर, हेरिस्टिक स्ट्रेटजी। अच्छा अच्छा, इस नीति में छात्र स्वयं खोज करके सीखते हैं, शिक्षक का कार्य केवल पथ प्रदर्शक का होता है जो उचित समय पर गलतियां सुधारने में सहायता देता है। छात्र जैसे जैसे कार्य तथा प्रयोग करते जाते हैं वैसे वैसे उन्हें नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती जाती है। इस नीति में छात्र एक अन्वेषणकर्ता की भांति कार्य करता है। छात्र के पास प्रारंभ में प्रयोग संबंधी जानकारी नहीं होती है, उसे सूचना उसे स्वयं वांछित सूचना तथा सिद्धांतों की खोज करने के लिए अनेक आवश्यक प्रयोग करने होते हैं, साथ ही साथ जो भी उसे साहित्य मिलता है उसे अध्ययन करना जाता है, ठीक है। छात्र को विषय संबंधी तथ्यों एवं सिद्धांतों की खोज स्वयं करनी होती है। ये साइंस से रिलेटेड है। ओके सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर हेलो सर, टीचिंग को टू सेंटर्ड कहेंगे या थ्री सेंटर? रॉ सर हम लोग को पिछले क्लास में से थ्री सेंटर बताए थे सर, करिकुलम को भी लिए थे। वो दूसरी चीज है, हम जो बता रहे हैं हम टीचिंग की बात कर रहे हैं केवल। सर टीचिंग कहीं बता रहे हैं, लर्नर बताए थे, स्टूडेंट टीचर और करिकुलम भी ले लिए थे। नहीं नहीं वो सही लिए थे, वो आपको जॉन डीवी होंगे और एडम्स होंगे, किसके अनुसार बताए थे सर? शायद जॉन डीवी। हाँ, जॉन डीवी ने बताया है कि शिक्षा जो है वो बाइपोलर और ट्राइपोलर करके आपको बताया गया होगा। जॉन डीवी ने बताया है कि शिक्षा एक ट्राइपोलर प्रोसेस है। ट्राइपोलर? हाँ, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, तीन चीजें आती हैं, ठीक है। यस सर, यस। यहाँ टीचिंग और लर्निंग की बात हो रही थी, इसलिए जो है स्टूडेंट सर जनरल वे में हम लोग टू ही लेंगे। हाँ, जनरल वे में स्टूडेंट और टीचर ही लेंगे, लेकिन जो किन्हीं के अनुसार लिया जाएगा तब जो आपकी स्ट्रेटजी है ना, जो मेथड आप ले रहे हैं जॉन डीवी।
कंटेंट के लिए ही ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम बता रहे हैं, जब हम आपसे कुछ वार्तालाप कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो है कोई ना कोई विषय है, कोई ना कोई पाठ्य बिंदु है, कोई ना कोई पाठ्य वस्तु है, ठीक है। यस सर। हाँ, तो वो यहाँ पर हिडन है। और जो बार बार आ रहा है ना कि बिहेवियरल चेंजेस या जो भी वांछित परिणाम ऑब्जेक्टिव है, तो वो जो उद्देश्य है वो पाठ्यक्रम को ही सीखने का उद्देश्य है, ठीक है। यस सर, समझ गए। और कोई क्वेश्चन डीएलएड वाले, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। और किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। अब समझ में क्वेश्चन नहीं आ रहा, इसका मतलब आपको सब समझ में आ गया। मोहित सर जी। सर हम लोग आधे घंटे का ब्रेक दे देते हैं, 1:30 बजे से हम क्लास स्टार्ट कर देंगे। अच्छा अच्छा, तो सब लोग अपना अपने लंच कर लीजिए, लंच करके रेडी हो जाइए, और हम लोग इसी लिंक से फिर से दोबारा 1:30 बजे जुड़ते हैं कंटिन्यूसली। और थोड़ा सेकेंड हाफ का सेशन थोड़ा ज्यादा जाएगा, इसीलिए काइंडली आप लोग टाइम निकाल करके, हो सकता है 2 घंटा का क्लास हो तो आप लोग थोड़ा सा टाइम ज्यादा दीजिएगा, और ध्यान रखिएगा 1:30 बजे से हम क्लास स्टार्ट कर देंगे। कोशिश रहेगी मेरी 1:30 बजे से क्लास स्टार्ट कर देने की। आप लोग 1:15, 1:20 तक सभी लोग जुड़ जाइएगा, हम लोग हम 1:30 बजे से क्लास स्टार्ट कर देंगे। मोहित सर। हाँ बोलिए। गुड आफ्टरनून सर, वो मैं बोल रही थी कि हिंदी में PDF होगा इसका तो भेज दीजिएगा। ये तो बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि सर बीच बीच में हमको कहीं कहीं समझ में नहीं आया, तो मैं पढ़ लूंगी तो समझ में आ जाएगा। एक्चुअली मुझे पता ही नहीं कि हमको कहाँ नहीं समझ में आया। आप यूट्यूब पर ये आपका जो है ना ये अवेलेबल है, आप दोबारा से सुन लीजिएगा। और ज्यादातर मैंने हिंदी में ही बोला है, कंटेंट भले इंग्लिश में था लेकिन बोला मैंने हिंदी में ही है, तो यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप उसको रिवर्स करके देख लीजिएगा, ठीक है। सर वो पॉइंट वाइज में प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे जो आपने पॉइंट डील किया वो उसके बारे में हमको प्रॉब्लम है। समझ में आ गया हमको। अच्छा अच्छा, अब आपने जितना भी ओके सर, तो अगर किसी और कोई क्वेश्चन है तो ठीक है, नहीं तो फिर आज की क्लास यहीं पे समाप्त की जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। तुम ही मेरा कलसा देखो क्या कर दी। रोहित जी लिंक को ऑफ मत करिएगा, लिंक ऑन ही रखिएगा। रोहित जी मोहित सर रोहित जी मेरी आवाज आ रही है? रोहित जी मोहित सर चलो सर, आप वही हैं क्या? सर हम इधर हैं सर, केबिन में अपने। ओह अच्छा ठीक है।